करवाती है और पता नहीं इस तरह की खबर कहां से चलती है। इस तरह के भ्रामित खबर है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं अपने आंख के और इलाज के लिए, अपना आंख दिखाने। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। प्रधानमंत्री जी कब विस्तार करेंगे, कब विस्तार नहीं करेंगे, ये और किससे परामर्श करेंगे, किससे परामर्श नहीं करेंगे, ये उनका विशेषाधिकार है। उसमें उनके इस विशेषाधिकार को मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा से जोड़ना, ये पूर्णता भ्रामक जी को मैंने बताया कि जहां तक हम लोगों को जानकारी है, मुख्यमंत्री अपने आंख के इलाज के लिए वहां जा रहे हैं। भाई आपको हम बताए कि ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं ना, ये उनका विशेषाधिकार है कि कब करेंगे विस्तार, किससे परामर्श करेंगे, किससे नहीं परामर्श करेंगे, ये सब उनका विशेषाधिकार है। उसमें कहां से आए मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा से उसको जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं अपने कारणों से, और उनके कारणों से अपने कारणों से जोड़ के उसको समय के साथ जोड़ दिया और अपना अटकल लगा रहे हैं। ये सब अटकलबाजी है, तथ्य से परे है। हमने बताया कि ये प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको शामिल करेंगे, किसको नहीं शामिल करेंगे। हमारी पार्टी का विशेषाधिकार होगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी विचार करेंगे पार्टी से, पहले तो वो पार्टी तय करेंगे कि पार्टी को शामिल करना है, फिर उसके बाद वो परामर्श करेंगे पार्टी के नेताओं से। तो ये उसमें तय होना है। चर्चा तो कई तरह की होती रहती है, वो सब अटकल लोग लगाते रहते हैं, लेकिन उन अटकलबाजियों में कोई दम नहीं है।